नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे और सुपर टेट के लिए आप सभी प्रशिक्षु जरूर अपना जितना भी पावर है, जितनी एफिशिएंसी है सब लगा दिए होंगे। आशा करते हैं आप लोग सिलेबस से वाकिफ भी होंगे। और आज मैं फिर से एक बार सिलेबस को डिस्कस करूँगा। आपसे विनती है कि सिलेबस को ज़रूर सभी भाइयों तक पहुँचाइएगा, जिससे अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है, मैं सिलेबस के साथ साथ हर एक पहलू को भी बताते चलूँगा। पहले मैं यह बताऊँगा आपको कि आपको पढ़ना कैसे है, यानी कि यूपी टेट मतलब सिलेबस में किस प्रकार से हमको कवर करना है। कि पहले तो हमारा वह टारगेट कंप्लीट हो जाए जो पास होने वाला है, यानी कि जो अलग से विद्यार्थी लाएंगे नंबर, जैसे कि आपके बराबरी वाला जो आपके साथ पेपर बैठेगा देने के लिए, वह भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा जो क्वेश्चन आप करेंगे ई जी वाला सभी लोग कर लेते हैं। और वह क्वेश्चन तो गलत करना ही नहीं है किसी भी सूरत में, ये चीज़ें बात में ध्यान में रखनी है। और दूसरी तरफ उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है जो वह नहीं अटेम्प्ट कर रहा है, तब तो आपका सिलेक्शन सिक्योरिटी के साथ होगा। और इसके लिए विधि विधान तरीके से चलना पड़ेगा, तो उस तरीके उस चीज़ को फॉलो करते हुए चलना है। पहले मैं यह जान लेता हूँ कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, मतलब किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, ये चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमें काफ़ी नंबर दिला सके, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें हमारी चीज़ें कवर करा सके, उसको पहले जान लेना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला चीज़ होता है करंट और समसामयिका। जो समसामयिक होता है उससे मतलब इस सामान्य समसामयिक की बात कर लो, जो डेली लाइफ में चल रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, कितनी नियुक्तियाँ हो रही हैं, कितने चेंजेस हो रहे हैं, विधानसभा विधान भवन बनाया जा रहा है, मतलब एक तरह से संसद भवन बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें चेंजेस ही तो हैं। अलग से सीएम और गवर्नर चेंज हो रहे हैं, ये सब क्या हैं, ये सब सामान्य समसामयिक हैं। यानी कि करंट अफेयर्स से 30 नंबर के प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हमेशा तैयार रखना है। करंट मैं लिख देता हूँ, करंट से 30 नंबर का, अभी मैं सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूँगा, 30 नंबर का प्रश्न। और दूसरी तरफ जो हिस्ट्री है, सोशल साइंस, मतलब कि आपका एक तरह से कह लीजिए कि जो हिंदी पहले उसकी बात कर लेते हैं, लैंग्वेज की, हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश है। आपको पता है हिंदी से 20 नंबर के और संस्कृत और इंग्लिश से 10-10 नंबर के प्रश्न आएंगे, बहुत ही सामान्य तरीके से आता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लूसेंट रामबाढ़ साबित होता है, यानी कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, उर्दू नहीं आता है। ठीक है भाई, उर्दू नहीं है इसमें, याद रख लेना, उर्दू नहीं आता है। कोई भी बच्चा जो उर्दू लैंग्वेज भी लिया होगा ना, तो उसको उर्दू छोड़ना पड़ेगा। अब आ जाइए इसमें, यानी कि 40 नंबर, 20 का यह और 10 का यह, दोनों 10-10 का, ये चीज़ें 40 नंबर में आपके सामने आएंगी। 40-30-70 तो ऐसे हो गया 150 में से। अब बताओ अगर यह दोनों आपका पूरा का पूरा तैयार होता है तो ना तो सही तो 60 नंबर तो आपको लाना ही लाना है। जैसे संस्कृत में लूसेंट का अगर आप बुक लेते हैं, बहुत सारे आते हैं, विनयी विजयी भव के भी आता है, कई सारे आते हैं। तो संस्कृत में संधि, समास, शब्द रूप है ना, धातु रूप है ना, गिनती जो आता है, उस सबको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। जो मैंने बताया इन सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में लूसेंट, इंग्लिश लूसेंट की मैं बात करता हूँ, उसी को मैं प्रीफर भी करूँगा आप लोग को, अगर लेना चाहें तो उसी को ले लें। उसमें जो आपका प्रिपरेशन मतलब प्रीपोजिशन होता है, बहुत ही बस तरीके से उसको वहाँ पे बहुत ही सटीकता से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिराइव किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, इसके बाद नरेशन हो गया, सिंटैक्स हो गया, इसके बाद सिंटैक्स के बाद आपका जो प्रीपोजिशन होते हैं, और प्लस जो आपका ए एंड द का रूल है, यह थोड़ा सा देख लेंगे। और प्रीपोजिशन में बहुत सारे होते हैं, तो उसमें कुछ चुनिंदा आपके सिलेबस में दिए हैं अभी मैं बताता हूँ। तो इस सब चीज़ को हिंदी में तो आप महारथी होंगे ही, हिंदी में क्या पूछना, हिंदी में बस साहित्य पर अगर ध्यान दे देंगे तो शायद दूसरे वाले से जीत जाएंगे भाई। अब आ जाते हैं विज्ञान, जो साइंस है, और गणित का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है भाई। विज्ञान कितना भागोगे गणित से, यहाँ पर नहीं भाग सकते, यहाँ पर एक एक नंबर आपका बहुत मायने रखेगा। इतना याद रखना, गणित से भाग रहे हो अभी तक ना, तो मत भागो मेरे भाई, नहीं तो फिर पछताओगे, समझ रहे हो। रीजनिंग गणित से जो बच्चा भाग रहा है आज तक DLED पढ़ कर ना, वो अब उसको समझ में आ जाएगा। और सारे सब्जेक्ट अपने आप में वैल्यूएबल हैं भाई। अब अगर हम बात करें विज्ञान का, तो 10 नंबर यहाँ से, और गणित का 20 नंबर यहाँ से, और रीजनिंग का यह तो जनरली हैबिचुअल होते हैं बच्चे इस सब में, तो इन तीनों में तो हैबिचुअल होंगे, प्लस करंट अफेयर में भी हैबिचुअल होगा उनका, आराम से कर ले जाते हैं। तो यह चीज़ें आप देख पा रहे हो, 30, 40, 30, 70, 70, 10 कितना हो गया, 80, 80 भी 100 और 100, 105 नंबर आपका ऐसे का ऐसे मिलेगा। ना सही तो आप 20 नंबर भी माइनस करके चल सकते हैं, तो आप देख लीजिए 105 नंबर में अगर 20 माइनस करते हैं तो भी आपका 85 नंबर आता है। अब 85 नंबर आप 120
105 क्वेश्चन में 85 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। 85 कहाँ से भाई, 80 क्वेश्चन, 20 माइनस कर रहे हैं ना, तो 105, 100 माइनस 20 करेंगे तो 80, और इधर 5 है यानी 85, सही बताया मैंने, 85 क्वेश्चन। अब 85 क्वेश्चन आप 85 नंबर बिल्कुल सटीक तरीके से कर सकते हैं इतने कर कर। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, थोड़ा सा नंबर और इंक्रीज करना है तो EBS सामाजिक जो अध्ययन होता है, मतलब उसमें EBS भी होता है, हिस्ट्री भी होता है, पॉलिटी भी होता है, इस तरह से जो चीज़ें सामाजिक अध्ययन में आती हैं तीन यही मुख्य होती हैं, जो हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री पर अपना कमांड बना लेना है, बिल्कुल गांधी एरा हो गया, अंग्रेज़ों का आना हो गया, जो आपके यह चीज़ें जितनी भी घटनाएँ थी घटी हुई, जो मतलब गांधी जी जब आते हैं तो उसमें कौन कौन से आंदोलन होते हैं, चंपारण होता है पहला, फिर उसके बाद आपका पता है कि मिल मजदूर आंदोलन होता है, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है, फिर उसके बाद आपका 2022 का घटना घट जाता है चौरी चौरा, फिर इसके बाद आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी होता है बीच में ही 1919 में होता है ना भाई, इसके बाद आगे जैसे चलेंगे तब तो पता चला कि ट्रेन डकैती हो गया है ना, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह सब लोग इधर उधर जो भागने भूगने लगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 30 को फिर दांडी मार्च हो जाता है, नमक सत्याग्रह हो जाता है, है ना, इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे तो अगस्त प्रस्ताव आ जाता है, जिन्ना साहब प्रस्ताव को देखने, फिर उसके बाद आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन होते हैं 29, 31, 32 को इरविन के समय होता है, उसके बाद वो भी वायसराय चेंज हो जाता है, तो यह सारी घटनाएँ आपके दिमाग में चलनी चाहिए पूरी की पूरी, या पीरियड पूरा का पूरा आपके दिमाग में चलना चाहिए, टाइम को लेकर टाइम इधर उधर भी नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना, क्योंकि अगर सटीकता से तैयारी कर रहे हो तो एक नंबर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो यानी कि इसमें आ जाइए सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन से हम कह देते हैं आपको 10 नंबर, 10 नंबर अपने आप में बहुत ताकतवर हैं, एक नंबर ही बहुत ताकतवर है, एक नंबर से भी आप छूट सकते हो मेरा भाई, मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त के दोस्त हैं एक लोग है ना, काफ़ी बड़े भाई साहब हैं, लेकिन कहा जाए तो उनका लक भले ही साथ ना दे रहा हो, वैसे तो लक किसी का भाई कब साथ देगा जो वो मेहनत करेगा, मेहनत तो कर रहे हैं फिलहाल में, लेकिन एक दो नंबर से रुकना बहुत दर्द दे जाता है, एक दो नंबर आधे नंबर से रुकना बहुत दर्द देता है भाई, समझ रहे हो ना, इससे आप नहीं, जैसे कि 1 लाख वैकेंसी आती है तो 1 लाख में आप सभी लोग थोड़े सेलेक्ट होंगे, मतलब कि सभी लोग थोड़े सेलेक्ट हो जाएंगे जितने लोग भरेंगे, 1 लाख ही तो बच्चा जाएगा, और बाकी हो सकता है कि पॉइंट 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 से छठे हों, 10-15 लाख ऐसे हों, तो इस तरह से समझ सकते हो ना, बहुत ही रेयर कंडीशन में बच्चा अपने आप को संभाल पाता है यार, है ना, तो वैसे ही वो भी हैं, अब उनकी जन्मतिथि भी 2022-23 की है, इस तरह से मतलब कि 1992-93 का है, 92-91 का है, इस तरह से वह कह लीजिए कमी है, उसे तो बूढ़े बूढ़े लोग तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन फिर भी उनका छठा बहुत सारे बच्चों का छठता रहता है भाई, इसमें कोई बात नहीं, आगे प्रयास करते रहना। इसके बाद रीजनिंग के बाद आ जाना है कंप्यूटर, कंप्यूटर से 5 नंबर का प्रश्न आएगा, कंप्यूटर से पाँच नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद आ जाता है जीवन कौशल से 10 नंबर का प्रश्न आएगा, जीवन कौशल से 10 नंबर का, आप जोड़िए जाएगा कितना हो रहा है, इसके बाद CDP सब जोड़ लीजिएगा, 20 नंबर का CDP जोड़ लीजिए, इस तरह से आपने देखा का पूरा का पूरा जो ये सिनेरियो आपके सामने था, या पूरा का पूरा आपके सुपरटेट में 150 नंबर दिलाएगा, 150 नंबर का पेपर होगा मेरे भाई, 150 नंबर माइनस मार्किंग नहीं होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगा, 150 नंबर का क्वेश्चन, 150 नंबर का और माइनस मार्किंग नहीं होगा, यानी कि अगर आप गलत करते हैं तो उस पर कोई 0 नंबर भी नहीं काटा जाएगा, इस तरह की बातें इसमें होगी, ठीक है। अब बताना यहाँ पे क्या है, जैसे कि UPTET वाला जितना सिलेबस है उसको जरूर आप पढ़ जाएंगे पाँचों के पाँचों को बहुत अच्छे से, और पैडागॉजी वाला जो सेक्शन है उसको, और प्लस GK GS प्लस करेंट, यह इतना अगर कैप्चर हो जाता है ना तो शायद आप बहुत आगे कर सकते हैं, और GS जो आपके जनरल साइंस है, जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हैं, वह चीज़ें इसमें GS भी रहेगा, और GK में ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी EVS और प्लस विविध, जैसे विविध में जैसे कोई गेम से जुड़ा हुआ पुरानी बातें हों, गेम मतलब कि कोई भी एक तरह से पुरस्कार हो, कब से स्टार्ट हुआ, किस सन से स्टार्ट हुआ उसकी, अब इसमें उसमें प्राइस कितने दिए जाते हैं, जैसे बहुत हैं, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, उसका नाम शायद चेंज, अर्जुन पुरस्कार है, समझ रहे हैं ना, इसके बाद आपका एक तरह से जो कह लीजिए कि जो भारत का सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है आपका भारत रत्न हो गया, इसके बाद उसी में आपका भारत रत्न में भी 4 और आते हैं ना, 3 और आते हैं, जिसमें कि हम कहा जाता है भाई पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, यह हो गया, प्लस उसके बाद उधर आ जाइए आपका 1901 में जो नोबल अवार्ड स्टार्ट हुआ था वह हो गया,
इस तरह से बहुत सारे हैं, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया आपका, ये भी स्टार्ट हुआ था 1969 से। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, विविध में आते हैं। लूसेंट है तो लूसेंट के लिए हिंदी लूसेंट, संस्कृत लूसेंट, इंग्लिश लूसेंट, इसके बाद लूसेंट एक जीके वाला, यह चारों बुक आपके पास होनी चाहिए और अच्छे से चार्ट जाना है, समझ रहे। बस इतना अगर चारों के चारों बुक लेकर चलेंगे ना, और मैथ का प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ पे कमांड बना लीजिए, 20 के 20 प्रश्न में से एक भी प्रश्न नहीं छूटना है, रीजनिंग में एक भी प्रश्न नहीं छूटना है। ये चीज़ें दावा पे साथ अगर लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत ईजी आता है, अगर उसे छोड़ेंगे अन्य बच्चा करेगा तो सिलेक्शन आपका रुकेगा, उसका नहीं रुकेगा। यह तो था आपका सिनेरियो जो हमने बताया आपके सिलेबस से रिलेटेड, और एक टास्क हमने आपको दिया है कि एक लूसेंट के जितने पर्याप्त बुक हों आप उसको यूज कर लें, और प्लस विजयी बहुत सारे बुक आते हैं, संस्कृत के लिए काफ़ी अच्छा बुक होता है विजयी भव का, तो उसको भी आप ले सकते हैं। विजयी भव एक तरह से कह लीजिए कि कम समय में बहुत अच्छा तैयारी आपको करा सकता है, जैसे कि मान लीजिए कल परसों एग्जाम है, मतलब एक हफ्ते बाद एग्जाम है, तो उसको आप लेकर चाट सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए ये चीज़ें थी आपके सामने, और मैं प्रयास करूँगा, और डेली मैं प्रयास करूँगा डेली कल से या परसों से सुबह डेली 6 बजे। सबसे पहले मैं इस वाले प्रोसेस को ख़त्म करना चाहूँगा, यह वाला बहुत लेंदी है, यह और प्लस यह वाला जो एक मिनट, यह वाला बेटा, यह 10 नंबर, यह और 10 नंबर, यह और GK GS, क्योंकि इसी में जो आपका GK GS वाला बहुत काफ़ी लेंदी टॉपिक है, काफ़ी इसमें बहुत कुछ पूछ लेता है, विविध हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, यह सब पूरा का पूरा। तो 10, 10, 20 इस 20 नंबर को मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार कराऊंगा, और प्लस हिस्ट्री मतलब हिंदी हो गया, हिंदी का मैंने बहुत भरपूर लेक्चर दिया है, कहेंगे तो उसको बीच बीच में मैं ट्रिक के माध्यम से इन दोनों को लेकर आया करूँगा। कोई भी एक टॉपिक पकड़ेंगे, जैसे कि आपका जितने भी इंटरनेशनल संगठन है, आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें UN हो गया, NATO हो गया, आपको पता है BCCI, ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं, BCCI तो भारत का है, ICC हो गया, ICC हो गया, प्लस बहुत सारे संगठन हैं आपके, देखोगे UNESCO का बहुत सारे संगठन हैं, उसमें COP आपका COP है, कई सारे होते रहते हैं पर्यावरण को लेकर। तो वह सारी चीज़ें जो हैं कि अलग अलग जो होती रहती हैं, उन सब को मैं करंट के माध्यम से उसके विविध के बारे में भी जानकारी देता चलूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जो अपने आप को भांपना है ना इस पेपर में, एक पेपर ले लीजिएगा, उससे भांपते रहिएगा मैं कितना पानी में हूँ, कितना पानी के ऊपर हूँ, कितना पानी के अंदर हूँ, है ना। चलिए नमस्कार, इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर अच्छा लगे तो। डेली सुबह आप कहेंगे, आप टाइमिंग भी बता सकते हैं कि कितने बजे सुबह 6 से 7 के बीच में मैं कब लेकर आऊँ वीडियो, उसी समय मैं डेली एक टॉपिक वाइज पर डे शॉर्ट वीडियो लेकर आया करूँगा, 10 मिनट का मात्र, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का हुआ करेगा, सिर्फ डेली आया करेगा। अगर आप लोग कहेंगे तो उसको कंटिन्यू रखेंगे, अन्यथा जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। धन्यवाद।